हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडीवी एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो कि पावलोव के द्वारा दी गई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी थी उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव या फिर ऑटोमेटिक टाइप ऑफ लर्निंग भी इसको बोलते हैं। ये जो है बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था इवान पावलोव का, जो उन्होंने अपने डॉग के ऊपर किया था। और उन्होंने पाया था कि जो ऑब्जेक्ट या जो इवेंट है वो क्या करता है, वो ट्रिगर करता है कंडीशंस रिस्पांस के ऊपर। इस एक्सपेरिमेंट को उसने जो है स्टार्ट किया था एक बाउल के साथ और एक डॉग के साथ। तो आइए देखते हैं कि उसने कैसे जो है इस एक्सपेरिमेंट को किया था। पावलोव ने जो है इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक भूखे कुत्ते को लिया था, साथ ही साथ उसने उस कुत्ते को जो है मेज से बांध दिया था। तो मेज पर बांधने के बाद क्या है कि उसने जो कुत्ते की जो लार ग्रंथियां हैं उसका ऑपरेशन कर दिया था, और उससे लार की बूंदों को जो परखनली में इकट्ठा करने के लिए जो है एक जार लगा दिया था। तो इस तरह से क्या है कि इस तरह से अगर आप इस थ्योरी को याद करते हैं तो आपको अच्छे से लर्न हो जाते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या क्या हुआ था। तो कुछ जो है स्वचालित यंत्र थे या उपकरण थे जिससे जो है कुत्ते को भोजन देने की व्यवस्था की गई थी। उसमें साथ ही साथ क्या किया गया था कि भोजन के साथ साथ घंटी बजाने की जो है आवाज कुत्ते के सामने प्रस्तुत की गई थी। तो इस तरह से भोजन को देख करके क्या हुआ था, जो फूड जो डॉग के सामने पेश किया गया था उसके बाद क्या होता है कि जैसे घंटी बजती है तो कुत्ते के जो मुंह है उसमें लार आना शुरू हो गया था, और ये लार जो है प्रखनली के अंदर एकत्रित की गई। तो इस तरह से जो है पावलोव ने क्या किया था, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट को जो है आप इसके अंदर भी देख सकते हैं, फिगर के अंदर दिखाया गया है कि किस तरह से जो है प्रोसेस इसके अंदर की गई थी। जो पावलोव की थ्योरी थी उसके अंदर दो कंट्रीब्यूटर थे, एक तो खुद इवान पावलोव थे और सेकंड जो है जॉन बी वाटसन। तो पावलोव को जो है इस वर्क के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था 1904 के अंदर। जो वाटसन थे उन्होंने जो है अपने जो उनका एक लड़का था एल्बर्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और ये जो है एक्सपेरिमेंट एक खरगोश के साथ किया था, यानी कि उनके बेटे एल्बर्ट और एक खरगोश के साथ। तो कई बार एग्जाम में ये चीजें पूछ ली जाती है कि जो पावलोव की थ्योरी थी उसके अंदर जो है साथ में किसका कंट्रीब्यूशन था, तो ये किसका था, वाटसन का। और ये भी पूछ लिया जाता है कि वाटसन ने जो है किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, तो वाटसन ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, उसने अपने बेटे एल्बर्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो है कंसेप्ट है किस तरह का कंसेप्ट है। जो लर्निंग होती है वो काफी टाइप की होती है, और सबसे जो बेसिक जो फॉर्म होती है वो होती है एसोसिएटिव लर्निंग। एसोसिएटिव के अंदर क्या होता है, मेकिंग ए न्यू एसोसिएशन बिटवीन इवेंट इन द एनवायरनमेंट। जो एसोसिएटिव लर्निंग होती है उसकी दो टाइप होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग किसके द्वारा दी गई थी, इवान पावलोव के द्वारा, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसको दिया गया था स्किनर के द्वारा। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है इसको पैवेलियन और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग के नाम से भी जाना जाता है, और कभी कभी जो है इसको SR कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो पावलोव है उसने किस डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, वो डॉग था सिरका। और इसके अंदर क्या किया उसने, एक बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट सेटिमल्स लिया था, वो था फूड, और उसको पेयर किया था न्यूट्रल सेटिमल्स के साथ, किसके साथ है, वो थी बैल। तो इससे क्या हुआ था, जो पेयरिंग का जो रिजल्ट था उससे क्या हुआ, इन दोनों ने क्या किया, रिस्पांस दिया, क्या दिया था रिस्पांस के अंदर, सेलिवेशन। तो इस तरह से ये थ्योरी जो है बहुत ही फेमस थ्योरी है एजुकेशन के अंदर, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है वो इस तरह से जो है पावलोव ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट डॉग के ऊपर किया था, ये इस फिगर के अंदर दिया गया है। आप इसको इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या किया गया था, सबसे पहले डॉग को जो है फूड दिखाया जाता है, सेकंड जो स्टेप है उसके अंदर डॉग को फूड ना दिखा करके बैल जो है दिखाई जाती है। बट उस टाइम पे क्या है, डॉग के मुंह में एक भी लार नहीं आती, लेकिन फर्स्ट टाइम में जब डॉग ने फूड देखा था तो उसके मुंह में लार आना स्टार्ट हो गई थी। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो इवान पावलोव है वो डॉग को बैल भी बजा के दिखाता है और उसको फूड को भी सामने रख देता है। तो इससे क्या होता है कि डॉग को लगता है कि जैसे ही बैल बजेगी तो मेरे को ये फूड जो है खाने को मिलेगा। तो इससे क्या हुआ, जो लास्ट स्टेप था उसने क्या किया, उसको जो फूड है कुत्ते को न दे करके, यानी कि डॉग को न दे करके उसने सिर्फ बैल को बजाया। तो बैल बजाने से क्या हुआ, कुत्ते के जो मुंह है उसके अंदर लार टपकना स्टार्ट हो गई।
तो उसने उसका जो सलाइवा था यानी कि उसके जो लार टपकी थी उनका उन्होंने मापदंड को मेजर किया, तो उसने देखा कि कुत्ते ने जिस तरह से भोजन जब उसको दिखा गया था, फूड जब उसको दिया गया था, जिस तरह से उसने तब रिस्पॉन्स किया था, तो सेकंड टाइम भी उसने जब बेल बजी लैंड की लास्ट टाइम में जब बेल बजती है तो उसने उस तरह से ही रिस्पॉन्स किया। यानी कि जो नेचुरल जो रिस्पॉन्स है वो डॉग ने, यानी कि लार टपकाने जैसा जो है नेचुरल रिस्पॉन्स डॉग ने दिया। इस तरह से क्या है, इस जो लर्निंग को क्या कहते हैं, लर्निंग बाय कंडीशनिंग भी कहा जाता है। जो क्लासिकल जो कंडीशनिंग होती है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से किस प्रकार से अलग है। जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है उसको हम दूसरी क्या कहते हैं, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं। इस वीडियो के अंदर काफी सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको मिलेगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, इसके अंदर बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है थ्रू द एसोसिएशन ऑफ सेटिंग, और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है उसके अंदर बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाता है इफेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है किसकी, क्लासिकल कंडीशनिंग की, वो यहाँ पे गिवन है। जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या कि स्टूडेंट के अंदर जैसे फियर है, लव है और हेट की जो फीलिंग है ये क्रिएट की जा सकती हैं बाय द यूज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। फॉर एग्जांपल एक मैथ टीचर है वो स्टूडेंट को डिफेक्टिव मेथड से जो है टीचिंग करता है और इम्प्रॉपर उसका बिहेवियर है क्लासरूम के अंदर, तो क्या करेंगे लर्नर जो है उसको डिसलाइक करेंगे, यानी कि स्टूडेंट के द्वारा वो डिसलाइक किया जाएगा। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट जो है टीचर के साथ साथ उस सब्जेक्ट से भी जो है घृणा करने लग जाता। नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन है कि इसके अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट को जो है अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाया तो उनको बोरिंग सब्जेक्ट भी जो है इजी लगने लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि टीचर्स का जो रोल है वो बहुत ही इसके अंदर इम्पोर्टेंट होता है कि एक स्टूडेंट जो है किस तरह से सीखता है और उसका टीचर जो किस तरह से सिखाता है। टीचिंग और लर्निंग के अंदर जो ऑडियो विजुअल जो एड्स होती है उनका रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट सीखते हैं और टीचर जब उनको सिखाते हैं तो जिन चीजों की पिक्चर अवेलेबल हो सकती है तो उन चीजों की पिक्चर से जो उनको सिखाया जाए तो स्टूडेंट बहुत इजीली सीख, जैसे केजी के बच्चे हैं या फिर छोटी क्लासेस के जो भी नर्सरी के बच्चे होते हैं उनको अगर टीचर कैट सिखाना चाहता है, कैट वर्ड सिखाना चाहता है, तो वो अगर कैट की पिक्चर दिखा देता है तो वो बच्चे जो स्पेलिंग को बहुत ही ईजी जो है सीख जाते हैं। और पावलोव की जो है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है ये गुड हैबिट को डेवलप करने के लिए भी यूज की जाती है और जो बैड हैबिट्स होती हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए भी इस थ्योरी का जो यूज किया जाता है। और स्टूडेंट के अंदर काफी सारे जो फोबियाज होते हैं उनको भी जो है कंट्रोल किया जा सकता है इस थ्योरी के द्वारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी और वीडियो पाने के लिए वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब।